हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है काउंटर इन्वेस्टिगेशन और ये मूवी एक फ्रेंच क्राइम थ्रिलर मूवी है। इसी के साथ साथ इस मूवी के एंड में आपके लिए एक सरप्राइज होगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों, हम वीडियो कितना भी अच्छा बना ले पर जब तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करोगे तब तक वो वीडियो ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। तो कहानी की शुरुआत फ्रांस के पेरिस शहर से होती है और पेरिस के एक घर में एंटी ड्रग स्क्वाड वाले रेड मारते हैं और उस घर में रहने वाले आदमी को ड्रग्स रखने और बेचने के जुर्म में पकड़ लेते हैं। मूवी के अगले सीन में हमें रिचर्ड मिलान वॉस्की नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपनी 10 साल की बेटी एमली को कहीं घुमाने ले जा रहा होता है और रिचर्ड अपनी वाइफ जो कि डॉक्टर है उससे बात करके उसे कहता है, मैं एमली को घुमाने ले जा रहा हूँ और कुछ समय बाद उसे घर ले आऊंगा। रिचर्ड एमली को लेकर घर के बाहर निकल ही रहा होता है तभी उसके पास एक फोन आता है। यह फोन उसी गिनो नाम के आदमी का होता है जिसे ड्रग्स स्क्वाड ने पकड़ा हुआ था। वो आदमी रिचर्ड को जानता था और वो उसे छुड़ाने के लिए उससे मदद मांगता है। तब रिचर्ड थोड़ा सोचता है और फिर उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। एमली यह सुनकर समझ जाती है कि उसके पिता उसे घुमाने नहीं ले जाने वाले हैं और एमली गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। तब रिचर्ड एमली के रूम में जाकर उसे मनाता है कि वो थोड़ी देर बाद वापस लौट आएगा, फिर वो दोनों घूमने जा सकते हैं। उसके बाद रिचर्ड घर से निकल जाता है और एमली कंप्यूटर में चैटिंग ऐप ओपन करती है और वो एक लड़के से बात करने लगती है। वो उस लड़के को बताती है कि उसके पिता फिर से उसे अकेला छोड़कर चले गए हैं। तब वो लड़का कहता है, अगर तुम चाहो तो हम दोनों मिल सकते हैं। एमली थोड़ी देर सोचती है और बाद में वो उस लड़के से मिलने साइकिल पर निकल जाती है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में रिचर्ड गिनो नाम के आदमी से बात करता है और किसी तरह से वो उस गिनो नाम के आदमी को बेल दिलवाकर छुड़वा देता है। आगे रिचर्ड गिनो को उसके घर ड्रॉप करके वापस अपने घर पर पहुंचता है। तब वो देखता है कि एमली घर पर नहीं होती। तब रिचर्ड ये बात अपनी वाइफ क्लेयर को भी बताता है और रिचर्ड उससे कहता है, मैं एमली को ढूंढने जा रहा हूँ। तभी रिचर्ड के पास एक फोन आता है और ये फोन उसके साथी पुलिस वाले स्टेफन का होता है। रिचर्ड उसे गिनो के बारे में बताने लगता है कि कैसे वो ड्रग्स बेचने का काम करता है। तब स्टेफन रिचर्ड से कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। और ऐसा कहकर वो रिचर्ड को जंगल के पास एक तालाब पर बुलाता है। रिचर्ड दौड़ा दौड़ा वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है उसकी 10 साल की बेटी एमली की लाश को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था। तब स्टेफन अपने साथी रिचर्ड को उसकी बेटी की लाश देखने से रोकता है और वो कहता है, तुम एमली को इस हालत में नहीं देख पाओगे इसलिए यहीं रुक जाओ। तब रिचर्ड फूट फूट कर वहाँ पर रोने लगता है। आगे एमली के फ्यूनरल पर पुलिस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर और बाकी पुलिस वाले पहुँचते हैं और पुलिस डिपार्टमेंट का डायरेक्टर अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर स्टीफन से कहता है, जिसने भी उस बच्ची के साथ ये सब किया है उसे तुरंत पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। आगे रिचर्ड और उसकी वाइफ क्लेयर भारी दिल से अपनी बेटी को अलविदा कहते हैं। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ऑफिसर स्टीफन को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगती है। उन्होंने एमली के मर्डर सस्पेक्ट को अरेस्ट कर लिया होता है। उस आदमी का नाम डेनियल एंकमैन होता है और पुलिस उसे पूछताछ के लिए पकड़कर पुलिस स्टेशन लाती है। तब स्टीफन का बॉस अर्नोल्ड स्टीफन से आके पूछता है, क्या हमें इसके खिलाफ कोई फोरेंसिक एविडेंस मिले है? तब स्टीफन कहता है, नहीं, हमें इसके खिलाफ कोई भी फोरेंसिक एविडेंस नहीं मिल रहे। तब अर्नोल्ड कहता है, यानी इस आदमी का कबूलनामा ही हमारा सबसे बड़ा सबूत होगा। इसका कन्फेशन हमें सही तरीके से लेना होगा ताकि हम उसे कोर्ट में सही साबित कर सके। जब डेनियल से इंट्रोगेशन चल रही होती है तभी वहाँ रिचर्ड आ जाता है और रिचर्ड इंट्रोगेशन रूम में घुसकर डेनियल को गोली मारने की कोशिश करता है। तब रिचर्ड के साथी पुलिस वाले उसे रोक लेते हैं और किसी तरह से शांत करते हैं। डेनियल रिचर्ड की आंखों में उसके लिए गुस्सा देखकर डर जाता है। आगे पुलिस कस्टडी में कुछ दिन रहने के बाद डेनियल कन्फेशन दे देता है। उसके बाद पुलिस वाले डेनियल पर चार्ज लगाकर उसे कोर्ट में पेश करते हैं। आगे हमें इस घटना के एक साल बाद का समय बताया जाता है। जब तक डेनियल पर ट्रायल चल रहा होता है और आज उसके फैसले का दिन होता है। कोर्ट में वकील अपने फाइनल आर्गुमेंट रखते हैं। तब डेनियल का वकील कहता है, मेरे क्लाइंट डेनियल के खिलाफ कोई भी फॉरेंसिक एविडेंस नहीं मिले हैं। पुलिस वाले रिचर्ड के दोस्त है जो कि उस बच्ची के पिता है, यानी 100% ये इन्वेस्टिगेशन एक तरफा थी। पुलिस वाले किसी भी तरह बस डेनियल को सजा दिलाना चाहते हैं, पर डेनियल के डिफेंस लॉयर की इस बात को तवज्जो नहीं दी जाती है और डेनियल एंकमैन को सबूतों के आधार पर 30 साल की सजा सुना दी जाती है। आगे स्टीफन क्लेयर और रिचर्ड को फैसले के बाद उनके घर तक छोड़ता है और स्टीफन रिचर्ड से कहता है, मेरा बोर्डो में ट्रांसफर हो गया है, मैं अब ज्यादा दिन यहाँ पर नहीं रुक सकता, मैं कल ही यहाँ से चला जाऊंगा। तब वो दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं और स्टीफन वहाँ से चला जाता है और डेनियल को उसकी सजा काटने के लिए जेल में बंद कर दिया जाता है
और आगे जेल में अपनी सेल से डेनियल एक चिट्ठी लिखता है। यह चिट्ठी वो इंस्पेक्टर रिचर्ड के नाम लिखता है, पर उस चिट्ठी को रिचर्ड को भेजने की बजाय डेनियल को सोचने लगता है और उसके बाद वो उस चिट्ठी को मोड़कर कर्टन रॉड में छिपा देता है। आगे डेनियल रिचर्ड के लिए एक नई चिट्ठी लिखता है। जब रिचर्ड के पास वो चिट्ठी पहुंचती है, उस चिट्ठी में डेनियल एंकमैन रिचर्ड से कह रहा होता है, डियर सर, एक फादर होने के नाते आपने अपनी बच्ची को खोया है और आप किस दर्द से गुजर रहे हो वो मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा, पर मैं उस दर्द को महसूस कर सकता हूँ। इस चिट्ठी को रिचर्ड पढ़ नहीं पाता और वो गुस्से से उस चिट्ठी को फेंक देता है। थोड़ी देर बाद कोशिश करके रिचर्ड उस चिट्ठी को पढ़ने लगता है। एक पुलिस वाले होने के नाते आपको लग रहा होगा कि आपने गुनहगार को सजा दिलवा दी है, पर कभी कभी कानून से भी गलती हो जाती है। मैं यह बोलकर आपके सामने अपनी बेगुनाही साबित नहीं करना चाहता, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या एक पुलिस इंस्पेक्टर होकर आप तसल्ली से बैठ सकते हो कि आपकी बेटी का कातिल अभी भी कहीं बाहर मजे से घूम रहा है? मैं बस चाहता हूँ कि आप मेरी इन बातों पर ध्यान दे, डेनियल। डेनियल की चिट्ठी को पढ़कर रिचर्ड दुखी होता है और वो रोने लगता है। आगे हमें इस कहानी का एक साल बाद का समय बताया जाता है, जब रिचर्ड पुलिस डिपार्टमेंट की टीम के साथ एक सेक्सुअल अफेंडर को पकड़ने के केस पर काम कर रहा होता है और रिचर्ड और पुलिस की टीम उस सेक्सुअल अफेंडर के घर के बाहर नजर बनाए हुए थी। तब रिचर्ड रेडियो पर न्यूज सुन रहा होता है और रेडियो पर न्यूज बताई जाती है, मेंटली रिटार्डेड क्रिमिनल और सीरियल किलर अरमान सलीना, जिसने 20 साल की उम्र में पहला कत्ल किया था, उसे बोर्डो के क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया है। ये छोटे बच्चों और बच्चियों को रेंडमली अपना शिकार बनाता था। इसने 10 साल के एक छोटे बच्चे का मर्डर कर दिया था, जिसकी बॉडी पुलिस को अब मिल चुकी है। सालिनस के बारे में खबर सुनकर रिचर्ड सोच में पड़ जाता है, क्योंकि डेनियल ने उसे कहा था कि एमली का कातिल वो नहीं बल्कि कोई और है। तब रिचर्ड की टीम उस सेक्सुअल अफेंडर को पकड़ती है, जिसे पकड़ने के लिए वो लोग उसके घर के बाहर इंतजार कर रहे थे। उसके बाद रिचर्ड अपने बॉस अर्नॉल्ड से मिलकर बोलता है, मैं बोर्डो जाना चाहता हूँ और वहाँ जाकर सालिनस नाम के अपराधी पर इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूँ। तब अर्नॉल्ड रिचर्ड को बोर्डो जाने की मिशन दे देता है। आगे रिचर्ड बोर्डो जाकर अपने दोस्त स्टीफन से मिलता है और स्टीफन रिचर्ड को सालिनस के केस की फाइल देता है। रिचर्ड मर्डर किए हुए बच्चे के फोटोज को देखने लगता है, जिन्हें सालिनस ने मारा था, और रिचर्ड उन मर्डर्स में और एमली के मर्डर में कॉमन पॉइंट ढूंढने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ जेल में डेनियल को उसकी कुछ फीमेल फैंस, जो समझती थी कि डेनियल अपराधी नहीं है, वो डेनियल को अक्सर चिट्ठियां लिखा करती थी और वो कोशिश भी करती थी डेनियल को जेल से छुड़ाने के लिए। रिचर्ड बोर्डो से इन्वेस्टिगेशन खत्म करके वापस अपने बॉस अर्नॉल्ड से मिलता है। रिचर्ड अपने बॉस को भी वो प्रिस्क्रिप्शन रिसिप्ट दिखाता है और वो कहता है, पिछले एक साल में जो भी मर्डर हुए है मैंने उनके इन्वेस्टिगेशन की है और मुझे पता चला है कि ये सारे मर्डर ट्रेन ट्रैक के आसपास हुए थे और ये सारे मर्डर सालिनास ने ही किए थे। इन मर्डर करने के तरीके में और एमली के मर्डर के तरीके में काफी सारी सिमिलरिटी है। तब अर्नॉल्ड पूछता है, तुम कहना क्या चाह रहे हो? तब रिचर्ड एक एड्रेस निकालकर अर्नॉल्ड को दिखाता है और वो कहता है, ये सालिनास के कजन का एड्रेस है। ये उस जगह से 15 किलोमीटर की दूरी पर है जहाँ पर एमली का मर्डर हुआ था। आगे रिचर्ड सालिनास के उस कजन से उसके घर पर मिलने जाता है और रिचर्ड सालिनास की कजन से पूछता है, जून 2003 में आपका कजन कहाँ पर था? तब सालिनास की कजन कहती है, मुझे इतना पुराना ठीक से कुछ याद नहीं, पर सालिनास ने यहाँ पर अपने लिए लकड़ी के कारखाने में काम ढूंढा था, पर मैंने एक शाम उसकी माइग्रेन की प्रॉब्लम के लिए उसे डॉक्टर को दिखाया था। उस डॉक्टर की रिसिप्ट मेरे पास है। सालिनास की कजन वो रिसिप्ट रिचर्ड को देती है और सालिनास की कजन पूछती है, आपकी बेटी के साथ ये सब कब हुआ था? तब रिचर्ड कहता है, जिस दिन आपने सालिनास को डॉक्टर को दिखाया था उसके एक दिन पहले। आगे रिचर्ड स्टीफन को कॉल करके कहता है, सालिनास से पूछताछ फिर से होनी चाहिए और जज को उससे पूछना चाहिए क्या वो एमली के मर्डर में भी शामिल था। स्टीफन पहले रिचर्ड की बात मानने से बिल्कुल मना कर देता है, पर बाद में रिचर्ड के फोर्स करने पर वो ये करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ रिचर्ड की वाइफ क्लेयर एमली की मौत से काफी सदमे में होती है और वो पेशेंट के ऑपरेशन के समय पर लापरवाही कर देती है, जिसकी वजह से दूसरे डॉक्टर उसे नौकरी से निकाल देते हैं। वहीं डेनियल भी रिचर्ड को लगातार एक के बाद एक चिट्ठियां लिख रहा होता है और उसे बार बार यही याद दिला रहा होता है कि वो बेकसूर है और मुजरिम बाहर घूम रहा है। जज के सामने सालिनास को एमली की फोटो दिखाकर पूछा जाता है, क्या तुमने ही इस बच्ची का मर्डर किया है? तब सालिनास एमली के मर्डर की बात को एक्सेप्ट करने से साफ मना कर देता है। हालांकि वो इस बात को मान जाता है कि जब इस बच्ची का मर्डर हुआ था उस वक्त वो उस जंगल में ही था। दूसरी तरफ रिचर्ड जिस लकड़ी के कारखाने पर सालिनास काम किया करता था उस लकड़ी के कारखाने से अपनी कार लेकर निकलता है और वो कार की स्पीड को 50 किलोमीटर रखता है
और वो उस जगह पर पहुंचता है जहां पर एमिली का मर्डर हुआ था। वहां पर पहुंचकर रिचर्ड को पता चल जाता है कि सालिनास को उस लकड़ी के कारखाने से मर्डर वाली जगह तक पहुंचने में कितना समय लगा होगा और रिचर्ड इस बारे में सोचने लगता है। आगे रिचर्ड अपने घर पर आता है और वो डेनियल एंकमैन को चिट्ठी लिखने लगता है। रिचर्ड उस चिट्ठी में लिखता है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं तुम्हें इस तरह से चिट्ठी लिखूंगा, पर मुझे इस केस के बारे में जो पता चला है वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। मुझे पता चला है कि एमिली के मर्डर के वक्त सालिनास नाम का सीरियल किलर उस जंगल में ही था और मुझे शक है कि ये मर्डर सालिनास ने ही किया है, पर वो इस बात को कबूल नहीं कर रहा है। जब डेनियल को रिचर्ड की चिट्ठी मिलती है तो उसे आखिरकार तसल्ली हो जाती है। आगे जो चार लेडी डेनियल को जेल में लेटर भेजा करती थी उनमें से एक लेडी की चिट्ठी पढ़कर डेनियल डिसाइड करता है कि वो उस लेडी से आगे बातचीत बढ़ाएगा और उसे चिट्ठियां लिखना शुरू करेगा। आगे डेनियल ने उस लड़की के लिए चिट्ठी लिखी होती है पर वो उसे नॉर्मल डॉग से नहीं भेजना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि कैदियों की चिट्ठी गार्ड अक्सर पढ़ा करते थे। इसलिए डेनियल अपने वकील को मिलने के लिए बुलाता है और वो उससे रिक्वेस्ट करता है उस चिट्ठी को उस लेडी तक पहुंचाने के लिए। वकील को पहले डेनियल पर थोड़ा शक होता है पर जब वो उस चिट्ठी के एनवलप को खुला हुआ देखता है तब उसे लगता है डेनियल ने ऐसा कुछ नहीं लिखा होगा जिसे पढ़ना चाहिए और वो उस चिट्ठी को उस लेडी तक पहुंचाने के लिए तैयार हो जाता है। आगे डेनियल के पास रिचर्ड की फिर से चिट्ठी आती है जिसे पढ़कर डेनियल सुकून की सांस लेता है क्योंकि रिचर्ड ने उस लेटर में डेनियल से कहा था कि वो अब डेनियल को बेकसूर साबित करेगा। दूसरी तरफ रिचर्ड सीरियल किलर सेलिनास के मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन को लेकर उस डॉक्टर के पास जाता है जिसने वो लिखा था। तब वो डॉक्टर रिचर्ड से वो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन लेकर उसे पढ़ता है और वो कहता है, हाँ मैं इस पेशेंट को जानता हूँ, इसकी कजन इसे मेरे पास लेकर आई थी। सेलिनास बचपन से ही परेशान था उसकी माँ की मौत के कारण और इसलिए उसे कभी कभी माइग्रेन का दर्द भी उठा करता था, पर क्या तुम्हें लग रहा है कि एमिली का मर्डर और रेप इसी ने किया है? तब रिचर्ड कहता है, हाँ मुझे इस पर शक है। तब डॉक्टर कहता है, मैं तुम्हें सेलिनास के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ और डॉक्टर रिचर्ड को अपने साथ उसके घर के अंदर ले जाता है। आगे रिचर्ड एक रिपोर्टर से मिलता है और उससे मदद मांगता है। रिचर्ड उस रिपोर्टर से कहता है, मेरे पास कुछ लीड्स है एमिली के मर्डर केस में। तब वो रिपोर्टर रिचर्ड का एक इंटरव्यू लेती है। मूवी के अगले सीन में रिचर्ड और क्लेयर दोनों डिनर कर रहे होते हैं तभी टीवी में रिपोर्टर एक ब्रेकिंग न्यूज देती है, हमें अभी अभी एमिली मर्डर केस में कुछ जानकारी मिली है और ये जानकारी हमें एमिली के पिता रिचर्ड ने दी है। उन्होंने हमें बताया है कि उनकी बच्ची का मर्डर डेनियल ने नहीं किया है बल्कि ये मर्डर सेलिनास नाम के सीरियल किलर ने किया है। रिचर्ड को इस बात पर पूरा भरोसा है कि डेनियल निर्दोष है और शायद इसलिए इस केस का रिट्रायल होना चाहिए। यह सुनकर क्लेयर रिचर्ड से लड़ने लगती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया और उसने इस बारे में उसे क्यों नहीं बताया। अगले दिन रिचर्ड अपने ऑफिस में जाता है तो उसका बॉस अर्नॉल्ड भी उससे गुस्से में कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम अपने साथी पुलिस वालों को गलत साबित करने में क्यों लगे हो कि उन्होंने इस केस के इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं की? तब रिचर्ड कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि सालिनासी मेरी बेटी का कातिल है और डेनियल निर्दोष है। तभी रिचर्ड के डेस्क पर एक कॉल आता है और ये कॉल अर्नॉल्ड अटेंड करता है। तब अर्नॉल्ड को बताया जाता है एमिली मर्डर केस में एक लड़की विटनेस बनकर सामने आई है। तब अर्नॉल्ड और रिचर्ड उस विटनेस से मिलते हैं। उस लेडी का नाम क्रिस्टीना होता है और वो अर्नॉल्ड और रिचर्ड को बताती है, जिस दिन एमिली का मर्डर हुआ था मैं उस दिन वहाँ पर जॉगिंग कर रही थी और वहाँ पर मैंने तालाब के पास सालिनास को देखा था। तब अर्नॉल्ड पूछता है, तो तुम इतने सालों बाद ये पुलिस को क्यों बता रही हो? इतने दिन तुम सच बताने सामने क्यों नहीं आई? क्रिस्टीना कहती है, क्योंकि मुझे लगा था कि पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया है, पर जब मैंने न्यूज देखी तो मुझे पता चला कि पुलिस ने किसी और आदमी को पकड़ लिया है और न्यूज में मैंने सालिनास का फोटो भी देखा जिसे मैं पहचान गई। आगे पुलिस क्रिस्टीना के बैकग्राउंड के बारे में इन्वेस्टिगेशन करती है। तब उन्हें पता चलता है कि क्रिस्टीना का कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था। क्रिस्टीना के पति की मौत 3 साल पहले हो गई थी, तब से वो अकेली रह रही थी एक नॉर्मल सिटीजन की तरह। रिचर्ड अर्नॉल्ड को रिट्रायल करवाने की बात कहता है। इस बात पर अर्नॉल्ड भड़क जाता है और वो कहता है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तब रिचर्ड समझ जाता है कि अर्नॉल्ड उसका सपोर्ट नहीं करेगा, इसलिए वो डेनियल को एक लेटर लिखता है और डेनियल की केस की फाइल में से कुछ जरूरी दस्तावेज वो डेनियल के वकील तक पहुंचा देता है ताकि डेनियल का वकील रिट्रायल की अपील कर सके। एक दिन क्लेयर रिचर्ड के ड्रॉवर में कुछ ढूंढ रही होती है तभी उसकी नजर उसमें पड़े लेटर्स पर पड़ती है जो लेटर डेनियल ने भेजे थे। रिचर्ड के आने पर क्लेयर उससे लड़ती है कि आखिर वो अपने बेटी के कातिल से बात क्यों कर रहा है। इस बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा होता है और क्लेयर घर छोड़कर चली जाती है। अगली सुबह रिचर्ड उठता है तो उसे पता चलता है कि डेनियल के खिलाफ कन्विक्शन कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है और उसका रिट्रायल एक्सेप्ट कर लिया है। तब रिचर्ड डेनियल को चिट्ठी लिखता है कि वो उसके डिफेंस में विटनेस बनने के लिए तैयार है
और वो कोशिश करेगा कि जल्द से जल्द वो जेल से छूट जाए। आगे रिचर्ड कोर्ट में डेनियल के ट्रायल के लिए जाता है तो वहाँ पर क्रिस्टीना विटनेस बनकर आती है और वो कहती है जिस दिन एमिली का मर्डर हुआ था उस दिन सेलिनास को उसने तालाब के पास देखा था जहाँ पर एमिली की लाश मिली थी। लेकिन जब कोर्ट में वकील सेलिनास से सवाल करता है तो वो इस बात से बिल्कुल इनकार कर देता है कि उसने एमिली का मर्डर किया है। तब वकील पूछता है लेकिन क्रिस्टीना ने वहाँ पर आपको देखा था। तब सेलिनास कहता है इस लेडी ने किसी और को देखा होगा, मुझे घूमना पसंद है इसलिए मैं अक्सर वहाँ पर जाया करता था, पर मैंने जो जो किया है मैंने वो कबूल कर लिया है और मैंने इस बच्ची का कत्ल नहीं किया। पर जज और जूरी सेलिनास के बयान से सहमत नहीं हो पाती और इस बात का बेनिफिट ऑफ डाउट डेनियल को मिल जाता है क्योंकि सेलिनास पहले भी कई बच्चों के कत्ल कर चुका था इसलिए उसे ही अपराधी माना जाता है। और जज और ज्यूरी मेजोरिटी वोट के आधार पर डेनियल को रिहा कर देते हैं। डेनियल अपनी रिहाई पर खुश हो रहा होता है और वहीं दूसरी तरफ रिचर्ड का बॉस अर्नोल्ड अफसोस कर रहा होता है। डेनियल को रिहाई का ऑर्डर मिल चुका था तब डेनियल अपनी सेल में अपनी पैकिंग कर रहा होता है और वो कर्टन की रॉड से उस चिट्ठी को बाहर निकालता है जो कि डेनियल ने रिचर्ड के लिए लिखी थी और उसे कर्टन रॉड में डाल दिया था। जब डेनियल उस चिट्ठी को पढ़ना शुरू करता है तो उसमें उसने रिचर्ड के लिए लिखा था, डियर कैप्टन मैं यहाँ पर वीआईपी सेल में हूँ और मेरे पास अब बहुत सारा समय है कि मैं वो सब कुछ सोचूं जो मैंने किया है। पहली बार मेरी उम्र 20 साल की थी जब मैंने ये सब किया था। वो लड़की मेरे खिलाफ रिपोर्ट करना चाहती थी इसलिए मैंने उसे मार दिया था, पर दूसरी बार ये एहसास बिल्कुल अलग था। दूसरी बार मैंने जिसके साथ गलत किया था वो पहली वाली से छोटी थी और मैं आज भी उसकी लाश के बारे में सोचता हूँ, वो आज तक भी पुलिस को नहीं मिल पाई और मैं तीसरी शिकार आपकी बेटी थी। मैं आपको बताता हूँ मैंने उसके साथ क्या क्या किया था। ये पढ़कर डेनियल उस चिट्ठी को खा जाता है ताकि किसी के हाथ ये चिट्ठी ना लगे। यह चिट्ठी डेनियल ने रिचर्ड को उकसाने के लिए लिखी थी। जेल से छूटने के बाद डेनियल न्यूज चैनल में इंटरव्यू देता है कि कैसे वो बेगुनाह था और उसकी जिंदगी के 3 साल बर्बाद हो गए थे, पर उसने भगवान पर भरोसा रखा और हिम्मत नहीं हारी। इसके बाद डेनियल क्रिस्टीना से एक बार में मिलता है और वो क्रिस्टीना को बताता है उसे एक जॉब ऑफर मिला है जिसे उसने एक्सेप्ट कर लिया है और उसे गवर्नमेंट 2 लाख यूरो का कंपेंसेशन भी दे रही है उसके 3 साल बर्बाद करने के लिए, और उन पैसों से वो पेरिस के बाहर अपने लिए कई घर खरीदेगा। यह सुनकर क्रिस्टीना खुश होती है पर वो जानना चाहती थी कि उन दोनों की रिलेशनशिप का क्या होगा। तब डेनियल कहता है मैं 3-4 महीने बाद वापस यहाँ पर आ जाऊंगा। क्रिस्टीना को यह बात थोड़ी अजीब लगती है कि उसने डेनियल के बाहर निकलने का इतने समय तक इंतजार किया और अब भी वो उसे छोड़कर जा रहा है। आगे डेनियल क्रिस्टीना से वो चिट्ठियां मांगता है जो उसने उसे जेल से लिखी थी। तब क्रिस्टीना अपने साथ लाई चिट्ठियां डेनियल को दे देती है और वो पूछती है तुम इनका अब क्या करोगे। तब डेनियल कहता है मैं इन्हें जला दूंगा क्योंकि ये चिट्ठियां मुझे जेल की याद दिलाएगी। ये वही चिट्ठियां थी जो डेनियल ने जेल से क्रिस्टीना को लिखी थी जिसमें उसने उसे झूठी गवाही देने के लिए कहा था कि उसने एमिली के मर्डर वाले दिन सेलिनास को वहां पर देखा था। डेनियल को डर था कि ये चिट्ठियां वापस पुलिस और रिचर्ड के हाथ में ना लग जाए। आगे डेनियल क्रिस्टीना को उसकी गाड़ी तक छोड़ने के लिए जाता है। तब डेनियल उसे जबरदस्ती किस करता है और किस करने के अंदाज को देखकर क्रिस्टीना समझ जाती है कि डेनियल जितना शरीफ दिखता है वो वैसा है नहीं। क्रिस्टीना के जाने के बाद डेनियल अपने वकील को फोन करता है और वो उससे कहता है परसों मैं यहाँ से चला जाऊंगा, पर जाने से पहले मैं एक बार मिस्टर रिचर्ड से मिलना चाहता हूँ, क्या मुझे मिस्टर रिचर्ड का फोन नंबर मिल सकता है। रिचर्ड का नंबर मिलने के बाद डेनियल रिचर्ड को कॉल करता है और डेनियल रिचर्ड से कहता है मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आगे डेनियल रिचर्ड से मिलने उसके घर पर पहुँचता है और वो रिचर्ड से कहता है मैं शहर को छोड़कर जाने वाला हूँ, जाने से पहले मैं आपसे मिलकर आपको थैंक्स कहना चाहता था। आगे रिचर्ड डेनियल को ड्रिंक ऑफर करता है और वो दोनों साथ में मिलकर ड्रिंक पीते हैं। ड्रिंक पीते पीते डेनियल रिचर्ड से कहता है एमिली का बेडरूम कहाँ पर है, मैं वो बेडरूम देखना चाहता हूँ और मैं वहाँ पर जाकर उसके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो जहाँ भी रहे शांति से रहे। तब रिचर्ड डेनियल को एमिली के बेडरूम में ले जाता है। डेनियल उस रूम को देखने लगता है और रूम देखते देखते ही वो बेहोश हो जाता है। रिचर्ड ने डेनियल को बेहोशी की दवा मिलाकर पिलाई थी। मूवी के अगले सीन में डेनियल को होश आता है तो उसके हाथ पांव बंधे हुए थे। रिचर्ड भी वहां पर डेनियल के सामने बैठा हुआ था। डेनियल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि रिचर्ड आखिर उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा था। तब रिचर्ड कहता है मुझे शुरू से ही पता था कि तुमने एमिली को मारा था और जब तुम जेल से छूटकर आते तो मैं तुमसे बदला भी लेना चाहता था, पर मैंने अपने 15 साल के पुलिस के करियर में देखा है कि जिन फैमिली से उनके बच्चों की और लेडीज की हत्या कर दी जाती है तो बच्चों का पिता और लेडी का पति हमेशा यही सोचता है
कि जब अपराधी जेल से छूटकर आएगा तो वो उससे बदला लेगा। पर कुछ दिन बाद लोग उन बातों को भूल जाते हैं और धीरे धीरे बच्चों का पिता और किसी का पति भी अपने आप को समझा लेता है और वो अपराधी के जेल से छूटने के बाद भी उसका बदला नहीं ले पाता। शायद मैं भी तुमसे कभी बदला नहीं ले पाता, पर जब तुमने मुझे चिट्ठियां लिखना शुरू किया तब मैंने ठान लिया था कि मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा। सालिनास के डॉक्टर ने मुझे पहले बता दिया था कि उसकी एक खास मेडिकल कंडीशन है कि सालिनास कभी भी किसी के साथ इंटीमेट नहीं हो सकता था, इसलिए वो किसी का रेप नहीं कर सकता था। मुझे नहीं पता कि सालिनास ने ये बात जज को क्यों नहीं बताई। ऐसा कहकर रिचर्ड डेनियल को उस कब्र के पास लाता है जो उसने उसके लिए खोदी थी और रिचर्ड कहता है तुम अब यहाँ से मुझे कभी भी चिट्ठी नहीं लिख पाओगे। ऐसा कहकर रिचर्ड डेनियल को लात मार के कब्र में गिरा देता है। कुछ दिनों बाद मीडिया में ये बात फैल चुकी होती है कि अचानक डेनियल एंकमैन मिसिंग हो गया है। तब मीडिया डेनियल के वकील से पूछताछ करती है तो तब डेनियल का वकील कहता है डेनियल मीडिया की पूछताछ से परेशान हो चुका था, इसलिए वो कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चला गया होगा। डेनियल के मिसिंग होने की न्यूज रिचर्ड की वाइफ, उसका साथी स्टीफन और रिचर्ड का बॉस अर्नॉल्ड भी देखता है और वो तीनों भी समझ जाते हैं कि डेनियल कहीं भी नहीं गया है बल्कि रिचर्ड ने उससे एमली की मौत का बदला ले लिया है। आगे रिचर्ड अपनी वाइफ को मनाने उसके घर पर जाता है और उसके बाद वो एमली की कब्र पर जाता है। तभी वहाँ अर्नॉल्ड भी आ गया था और अर्नॉल्ड रिचर्ड से कहता है मुझे पता चला है कि तुमने रेजिग्नेशन दे दिया है। रिचर्ड कहता है हाँ मैं यही चाहता था। अर्नॉल्ड कहता है हमारे पास डेनियल की कॉल डिटेल है और मिसिंग होने से पहले आखिरी बार उसने तुम्हें एक कॉल किया था। इस पर रिचर्ड कहता है उसने मुझे थैंक्स कहने के लिए कॉल किया था। अर्नॉल्ड कहता है मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि तुमने डेनियल के साथ क्या किया होगा। मैंने सालिनास के डॉक्टर से भी बात की है और उसने मुझे सालिनास की मेडिकल कंडीशन के बारे में बताया और इसके बारे में उन्होंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, तो यहाँ हो ही नहीं सकता कि तुम सालिनास को अपनी बेटी का कातिल मानो। तुम्हें क्या लगता है ये सब करके तुम अपनी जिंदगी में अच्छा फील करोगे? तब रिचर्ड कहता है मुझे आगे जीने से कोई मतलब नहीं, मेरी मौत तो 3 साल पहले ही हो चुकी है मेरी बेटी के साथ। और नॉल समझ जाता है कि रिचर्ड वापस पुलिस फोर्स ज्वाइन नहीं करने वाला और वो वहां से चला जाता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।